देखिए बलरई थाना अंतर्गत एक जो क्या कहते हैं जमुना नदी का पुल पड़ता है, जमुना नदी के पुल पर 11 तारीख और 11:12 की रात में हमारे एक व्यक्ति जो है ऋषिकेश यादव, जो नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने सूचना दिया कि मेरी बहन को मार करके फेंक दिया गया है मेरे जीजा द्वारा। उस पर जो है अनुसंधान किया जाता है, जब विवेचना की जाती है, जांच की जाती है और उसको हरकेश जो उसमें मुंजिम है उसको पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार भी किया। उसने बताया कि उसने अपने बीवी पर शक करता था और शक के आधार पर उसने मोबाइल वगैरह में कहीं उसको देखा था कुछ, जिसके आधार पर उस शक के आधार पर उसको बीवी को अपने ऑटो में लाद करके यमुना पुल पर ले गया और वहाँ गला कश करके उसको मार करके उसको नदी में फेंक दिया, जैसा उसने स्वीकार किया है। बाकी बॉडी को कब्जे में लेने के लिए उस पर जब हम नदी में तमाम हमारे जो क्या कहते हैं गोताखोर वगैरह से तलाश करके बॉडी मिल गई है और महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर पंचायतनामा के बाद भेज दिया गया है और उसने जुर्म कबूल भी कर लिया। उसने बताया कि जो है अपनी बीवी में शक करने के आधार पर क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दिया है और हत्या करने के बाद नदी में बॉडी को फेंक दिया था, जिसके आधार पर 15/23, 302, 201 का अभियोग दर्ज करके बलरई थाना अंतर्गत तिंतरीरावा में मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई आज की जा रही है। जैसा कि वो बता रहा है कि सर चूंकि मैं मुझे शक था कि मेरी वाइफ का किसी से अफेयर चल रहा है, उसी आधार पर जब उसने चेक किया और मोबाइल में कुछ उसको आपत्तिजनक चीज़ मिली थी, जिसके आधार पर वो झगड़ा हुआ, बाद में उसने जो है अपनी बीवी की हत्या करके, जैसा कि वो खुद स्वीकार कर रहा है कि उसे गला दबा के हत्या कर दिया है और जमुना नदी में उसको ठिकाने लगा दिया था। बाद में गोताखोरों के माध्यम से पुलिस ने, बलरई पुलिस और CO जसवंत नगर SPCD वगैरह जा करके उसको बरामद कर लिए हैं तथा 302, 201 का अभियोग भी दर्ज कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।